हेलो फ्रेंड्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मुहर्रम स्पेशल शरबत की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कटोरी में ऐड करेंगे एक टेबलस्पून सब्जे के बीज। ये जो सब्जे के बीज है इसे तुकमरिये या तुकमलंगे भी कहते हैं, जो कि मार्केट में ईजीली अवेलेबल है। तो हमने यहाँ पर जो एक टेबलस्पून सब्ज़े के बीज लिए हैं इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 टेबलस्पून पानी और इसे आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। आप इसे 10 मिनट के लिए भी भिगो सकते हैं या फिर 1 से 2 घंटों के लिए भी भिगो सकते हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पर लिया है 2 टीस्पून वेनिला कस्टर्ड पाउडर। इस वेनिला कस्टर्ड पाउडर में हम ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसे पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी स्लरी बना लेंगे। ये देखिए हमने कितनी स्मूथ स्लरी बना ली है और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। शरबत बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 लीटर फुल क्रीम दूध। इसमें हम ऐड करेंगे 100 ml पानी और हाई फ्लेम पर इसमें एक उबाल आने देंगे। एक उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे एक बार चला लेंगे। हाई फ्लेम पर उबाल आने तक भी हमने इसे 2 से 3 बार चलाया था ताकि दूध जो है वो नीचे ना लगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 120 ग्राम चीनी। देखिए आप यहाँ पर चीनी की मात्रा अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून कूटी हुई इलायची। आप इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे। चीनी मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारी बनाई हुई कस्टर्ड पाउडर की स्लरी। क्योंकि हमने स्लरी को पहले से बना के रख दिया था इसलिए हम इसे ऐड करते वक्त एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कस्टर्ड पाउडर की स्लरी ऐड करने के बाद हमें इसे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पकाना है ताकि इसमें लम्स ना पड़ जाए। 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। आप यहाँ पर अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बादाम और पिस्ते। मिक्स कर लेंगे और इसे लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे और हर 2 से 3 मिनट में इसे एक बार चला लेंगे। 10 से 12 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे पकाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन फूड कलर। आप अपनी पसंद का कोई भी फूड कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा और ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मतलब आपको जितना गहरा या हल्का रंग पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें अपनी पसंद का कोई भी फूड कलर ऐड कर सकते हैं। और फूड कलर ऐड करने के बाद भी हमने इसे 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेना है। फूड कलर ऐड करने के बाद हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लिया है। इसी के साथ हमारा जो शरबत है वो बनकर तैयार है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर कुछ देर तक ठंडा करने के बाद 2 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे। वैसे तो हमने इसे 2 घंटों के लिए फ्रीज में रख दिया था लेकिन इसे थोड़ा और ठंडा करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे बर्फ़ के टुकड़े। इसी के साथ हमारा जो शरबत है वो सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम ग्लास में ऐड करेंगे आइस क्यूब्स। इसी के साथ ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून सब्ज़े के बीज। ये वही सब्ज़े के बीज है जिनको हमने पानी में भिगो दिया था। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा बनाया हुआ शरबत। और इसे गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से। इसी के साथ हमारा जो मुहर्रम का शरबत है वो बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और बेल आइकन दबाए बिना ना जाएं। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।